सो व्हेन आई स्टार्टेड माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दीज थिंग्स दैट वर हैपनिंग एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था तब क्योंकि मुझसे आंसर राइटिंग्स नहीं होती थी. बट धीरे धीरे जैसे जर्नी आगे बढ़ी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन कि सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती थी, मुझसे स्टार्टिंग ही नहीं होती थी आंसर राइटिंग की. ये देखो मैंने बहुत जगह कट कट मार रखे हैं. एंड लिटरली ये एक टाइम होता है जब ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए, यहाँ से निकलो और इन्जॉय करो लाइफ को. बट करना था तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाए, बट आपको करना होता है तो आप वहाँ पर आप अच्छे से करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो. सो धीरे धीरे जैसे कि मैंने कहा कि जर्नी आगे बढ़ी, स्टार्टिंग में आप बहुत स्टक हो जाओगे चीज़ों में एंड वो मोमेंट ऐसी होती है सिंगल की मन करता है चलो इसको छोड़ दो. तो फिर उसके बाद गाइडेंस मिली और यूट्यूब था ही, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली. जो टॉपर्स थे काफ़ी ऐसे हैं जो चैनल्स रन करते हैं तो उनके चैनल्स देखे एंड मैंने इस चीज़ों को समझा कि आप जब भी कोई बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने आज हिस्ट्री की बुक उठाई है, तो जो चैप्टर आपने किया है उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया आप वहाँ से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो. तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया. मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा और फिर उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने धीरे धीरे करके उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया. मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का था, मैंने अपना 10th एंड 12th दोनों यूपी बोर्ड से किया है जो हिंदी मीडियम का बोर्ड होता है. तो उस वजह से आगे जाके फिर वीडियोज़ में मैंने काफ़ी जगह देखा कि आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हिंदी मीडियम से कम हो रहा है. हालांकि अब ये चीज़ें उतनी भी सही नहीं थी बट उस टाइम पे मुझे था कि इंग्लिश सीखनी है. तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मेरा 1.5 साल इसी चीज़ पे चला गया. मुझे पॉलिटी स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आती थी तो मैंने गूगल किया, बहुत ज़्यादा गूगल किया, पूरा दिन गूगल करने में चला जाता था, एक ही पेज पढ़ा जाता था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया अपनी प्रिपरेशन करने में. तो जो एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि अगर उनको इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बट हाँ, अगर आप गूगल करते हो डे बाई डे, आपकी हैबिट अगर आप ऐसी बना लेते हो, गूगल करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गूगल करते हो एंड फिर उसको लिखते हो पढ़ते हो, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको डबल टाइम देना पड़ेगा. अगर कोई एस्पिरेंट 6 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 8, 9, 10 घंटे लगाने पड़ेंगे अपने, तब जाके आप 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छे से अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस वॉज द ओनली स्ट्रैटेजी. तो गाइज़ अभी भी मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है वीडियोज़ देखे, और मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मतलब कोचिंग भी मैंने ली है इसके लिए, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया कुछ टाइम पहले. तो अभी इसी वजह से मैंने अपना UPSC का अटेम्प्ट लास्ट ईयर नहीं दिया था. सो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका UPSC का एग्ज़ाम कैसा गया, क्लियर हुआ या नहीं, तो मैंने एग्ज़ाम इस बार नहीं दिया था. मैं आपको क्लियर कर दूं, और अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं हुई थी कि मैं एग्ज़ाम दे सकूं. तो अभी मेरा है 2024 का अटेम्प्ट, उसी के लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे. अभी मेरी चल रही है आंसर राइटिंग, तो जल्दी से करते हैं आंसर राइटिंग एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं. लेक्चर ख़त्म करके हम आ जाते हैं दुकान पे दूध लेने, क्योंकि घर पे नहीं है तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है अगर आप बाहर रह रहे हो तो. सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है UPSC के रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुके हैं. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है. सुनने में आया है कि फिजिक्स वाला ओनली IAS ने काफी अच्छे रिजल्ट इस बार प्रोड्यूस किए हैं, तो रिजल्ट को देख के मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है. सो नेक्स्ट ईयर टॉप 5 में अपनी जगह बनाने के लिए अभी से लग जाते हैं तैयारी में विद फिजिक्स वाला एंड ओनली IAS. हर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज बैच है 7,499 जो पहले 8,999 का था. और अगर आप टारगेट कर रहे हो 2025 को तो संकल्प आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट है 9,499. सो प्रतिज्ञा दिवस ऑफरिंग में यहाँ पर 1500 का ऑफ मिल गया कि फिजिक्स वाला ने अपनी बुक्स लॉन्च कर दी है अमेजोन पर, वो भी बहुत ज्यादा कम और डिस्काउंटेड प्राइस पर. तो जिनको प्राइस की वजह से बुक्स लेने में प्रॉब्लम होती थी वो अब इजीली बुक्स भी खरीद सकते हैं अमेजोन पर डायरेक्ट जाके. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अपना, तो आप वहां से डायरेक्ट जाओगे, आपको सारी बुक्स की लिंक मिल जाएगी एंड आप उनसे वहां से ऑर्डर कर सकते हैं. इसके अलावा इन बुक्स में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स वाइज कवरेज एंड इसके अलावा आपको फ्लो चार्ट्स, टाइम लाइन्स, डायग्राम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे मिल जाएंगे. सो कंप्लीट 360 प्रिपरेशन आपको 4,999 में मिल रही है जिसमें आपको सारी बेसिक ऑफरिंग्स प्लस प्रीमियम ऑफरिंग्स मिल जाती हैं. सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं एंड सब्सक्रिप्शन भी आप देख सकते हैं. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन. तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज. प्री को क्वालिफाई करके ही आप आगे जा सकते हो, मेंस दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो. सो प्रीलिम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
यू नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो टेस्ट सीरीज़ इसमें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं अपने मार्क्स इंप्रूव करने में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कैसे उनसे बचना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको तभी होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो. सो मॉक टेस्ट कभी भी स्किप मत करना जबकि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी आजकल कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, सब में आपको वो एग्ज़ाम वाला प्रेशर फील करना आना चाहिए. तो गाइज़ मुझे तो 2-2.5 घंटे अब इसी में लग जाएंगे, आपसे मिलते हैं इन सब के बाद. तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो ये वाली टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का. सो हे गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:40-50 के करीब, एंड मैंने अभी न्यूज़पेपर लगवाया नहीं है घर से आने के बाद, तो अभी मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स देखने पड़ रहे हैं. सो हम आज का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे एंड आज क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है कि पेपर में करंट अफेयर जो है वो आते हैं, न्यूज़पेपर कभी भी नहीं स्किप करना चाहिए. न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. तो अभी हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर की पहले हेडलाइंस देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर जो न्यूज़ है वो GS फर्स्ट से है या सेकेंड से है. तो ऐसे करके एक बार हमको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पोर्शन GS फर्स्ट का है, सेकेंड का है या थर्ड का है. तो न्यूज़पेपर करते हैं और फिर देखते हैं कैसा रहता है ये वाला आज का जो क्या क्या न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है. बस इतना ही. आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा. इफ़ यू लव टू वॉच माई वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन आज UPSC में हो गया है. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल द बेस्ट.